इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट अब आगे क्या करेंगे इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से पायलट को अपने खेमे में खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिला। अब आप देखिए एक एक करके क्या हुआ, हरियाणा में हुड्डा जी के खिलाफ, सचिन पायलट के खिलाफ राजस्थान में। सचिन पायलट जाना चाहते हैं, सचिन पायलट भी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, हालांकि पिछले उनको मनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मन बदल लिया, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट नाराज है। उनके समर्थक जो है वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि उनको बार बार पार्टी ने जो उनसे वादा किया था सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सचिन पायलट से आपकी कोई बात हुई, कुछ सलाह देंगे उनको? देखिए सचिन पायलट जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हम लोगों ने साथ बहुत काम किया है, और सचिन पायलट जी ने 5 वर्षों तक नेतृत्व के कहने से जाकर राजस्थान में उन्होंने जमीन को जोता, और फिर उसके बाद चलिए मुख्यमंत्री बनना आवश्यक नहीं था, लेकिन उनको सम्मान भी नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको कठपुतली बना दिया, तो उनके लिए नाराज होना, दुखी होना, संतुष्ट होना स्वाभाविक है। इधर यदा कदा हम उनसे मिलते रहे, लेकिन अभी सिलसिले में मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं पूरी तरह से ये चाहूंगी कि वे भी भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि वहां उनका कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और देखिए अंतत्वगत राजनीति का अर्थ क्या है, एक राजनीतिक दल का अगर स्थापना होती है तो जनसेवा के लिए, और हमारे जैसे लोग उसमें जाते हैं पार्टियों में एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो जनता के लाभ के लिए, फायदे के लिए, उनको किसी तरह से उनकी सेवा करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी उनको वहां नहीं मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।